इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, जो दिखरे तो आना था या जो प्रोसीजर आना था इसका इमिग्रेशन का, वो आ चुका है। आज हम प्रॉपरली और थॉरली यानी कि मुकम्मल तौर पे उसको कैसे फिल करना है, खुद कितना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दुमादा कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, जो 6 महीने वाली सजोर्न है टेम्परेरी उसका दुमादा कहाँ पे अप्लाई करना है, और जो परमानेंट सजोर्न होगी यानी कि 1 साल की जो सजोर्न होगी लबोर सुबर्दिना, तो उसका दुमादा कहाँ पे करना है और कैसे करना है, उनकी फीसिस क्या हैं, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। तारकीन वतन के हालात, वाकयात, खबरों और नए कवानीन की आगाही के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ इटली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि वो लोग जो इटालियन लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो उन तक हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन बहन भाई हैं उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसको अपने आप तक ना रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो तैयार करने के लिए मैं तकरीबन रात से इसको वो स्टडी कर रहा था, ताकि जो कुछ भी सही लाजम मलजूम जो चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट का तो मेरे इस YouTube चैनल को भी, देखते तो बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो सब्सक्राइब भी इसको ज़रूर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर आप बताएं। अगर किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो मेरा इंस्टाग्राम मैं आपको दूंगा, आप इंस्टाग्राम से आप मुझे वो फॉलो करके तो सवाल पूछ सकते हैं। इटालियन गवर्नमेंट ने आज इसका प्रोसीजर आउट कर दिया है, उनकी वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ द इंटरनो पे ये सारा प्रोसीजर आ चुका है। इसको फिल कैसे करना है, इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा कुछ उस पे आया हुआ है और खुद कितना चाहिए सब कुछ वहाँ पे है। तो मैंने चीज़ें कुछ उसमें से नोट की हैं, जो अहम अहम बातें हैं वो मैं आज आपसे करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये दुमादा कैसे करना है और कौन कौन कर सकता है, और इसको सुनने के बाद जो जो एलिजिबल होगा उसको पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहली बात कि उन्होंने एक आर्टिकल निकाला है, आर्टिकल 103, और इसका जो रेफरेंस है 19 मई 2020 और इस आर्टिकल का नंबर है 34। इस आर्टिकल के तहत ये इमिग्रेशन ओपन की गई है। इसमें अभी तक सिर्फ दो कैटेगरीज ही हैं, एक एग्रीकल्चर और एक जो है वो डोमेस्टिक। ये जो दो कैटेगरीज हैं इनको इन्होंने नाम दिए हैं, इसके दो मॉडलों या मॉडल्स होंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इस पे एक वेबसाइट, बाद में आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है, उस पे आपने अप्लाई करना होगा। इन दो मॉडलों का नाम है, एक पहला मॉडल है जिसका नाम है AM DOM, यानी कि M DOM इंग्लिश में अगर आप कहें तो M DOM 2020। ये कैटेगरी है डोमेस्टिक के लिए। मैं आपको पहले सारा समझा चुका हूँ कि डोमेस्टिक में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसमें बदानते भी आएगा, इसमें आपका जो इनवालिड पर्सन है, डिसेबल पर्सन आपके घर में है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक बंदा, और इसमें कॉफ भी आएगा यानी कि घर की सफाई वगैरह या देखभाल का। इसमें दूसरी कैटेगरी है M SAP 2020, इसमें अप्लाई कर सकेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर वाले। एग्रीकल्चर की आगे जो शाखें हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, बल्कि हर कोई बंदा बता रहा है कि इसमें एग्रीकल्चर यानी कि ज़मींदारा वगैरह वो आ जाता है, माहीगीरी आ जाती है, इसमें आ जाता है आपका गाय का फार्म, मुर्गी का फार्म वगैरह वगैरह और मछलियाँ पकड़ने वाले वो सारा कुछ। तो ये दो मॉडल हैं जो आपको पूर करने होंगे ऑनलाइन। वो ऑनलाइन का भी मैं एक वीडियो चढ़ाऊंगा जिसमें सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप होगा, वो भी आपको मैं उर्दू में समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें खुद कितना चाहिए। इसमें खुद दो किस्म के हैं, एक वो अगर कोई जो बंदा दतोरे दी लवोरो है यानी कि जिसकी कंपनी है, प्रतीथा इवा है, वो अपने
लिए कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है तो उसको खुद कितना चाहिए, उसको खुद वो जो दतोरे दी लवोरो वाला बंदा होगा जिसने मतलब जिसके पास प्रतीक ताइवा है, उसको खुद चाहिए होगा 30,000 यूरो का। अगर उसने अपने घर में कोई बंदा अप्लाई करवाना है तो उसको खुद चाहिए होगा 30,000 यूरो का। अगर आप सिंगल फैमिली हैं यानी कि न्यूक्लियर फैमिली हैं, बीवी बच्चे और आप हैं, तो फिर आपको खुद चाहिए होगा 20,000 यूरो। अगर आप जॉइंट फैमिली हैं यानी कि आपके बहन भाई या दूसरे लोग भी काम करते हैं, आपकी बीवी भी काम करती है, तो फिर आपको चाहिए होगा खुद 27,000। 27,000 खुद उनको चाहिए होगा जो एक से ज़्यादा घर में बंदे काम कर रहे हैं, उनकी कमाई है, उनका रेडिटो है, उन जिनका रेडिटो कम से कम 27,000 होगा वो एक बंदा अपने घर में बादंते या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके घर में कोई मजदूर शख्स है, बच्चा है या कोई बूढ़ा है, तो वो लोग उनके लिए किसी खुद की भी ज़रूरत नहीं होगी और उनको परमेश्वर दी सुजोनो जो उनके पास ज़रूरी नहीं है कि वो इलिमिता तो हो या ईयू वाली हो लुंगो पीरी दो, उनको लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, उनके लिए ना किसी खुद की शर्त है और ना उनके लिए जो परमेश्वर दी सुजोनो है उसकी कोई शर्त है। वो बग़ैर खुद के और कर्ता के बग़ैर यानी कि नॉर्मल सुजोनो के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एविडेंस चाहिए होगा 8 मार्च से पहले का, तो आपको इसमें ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, इसमें मेडिकल भी हो सकता है, इसमें आपका अगर आपने किसी वकील के साथ कंसल्ट किया था इसके लिए कि मैं यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह लेना चाहता हूँ या मैं फिर असाइलम लेना चाहता हूँ, वो अगर आपके पास हैं तो वो भी आप उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस इमिग्रेशन की 2 कैटागरीज हैं। अभी जिस कैटागरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है लबोरो सबोर्डिनाटो वाली, यानी कि जिसके वो परमेश्वर दी सुजोनो जो आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट के साथ अप्लाई करनी है। पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो सारा मैं अभी बता रहा हूँ, और जो दूसरी बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के जमा करनी है उसका उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपका पासपोर्ट अगर है तो वो हो जाए, या फिर सर्टिफिकेट, अगर आपकी एम्बेसी सर्टिफिकेट आपको देगी कि ये वाकई हमारा नेशनलिटी का बंदा है या हमारे मुल्क का बंदा है, वो भी एक्सेप्टेबल है, उसका इजाज़तनामा इटालियन गवर्नमेंट ने दे दिया है, और वो मालिक या और वो बंदा जिसने अप्लाई करवाना है यानी कि जिसने अपने घर पे बंदा रखना है या अपना कॉन्ट्रैक्ट देना है काम का, एग्रीकल्चर वगैरह या किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट जो देना है, उस बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो यूरोपीय यूनियन नेशनल हो, या फिर अगर वो यूरोपीय यूनियन किसी भी कंट्री का यानी फ्रांस जर्मनी किसी भी कंट्री का नेशनल हो सकता है, वो यहाँ आके मतलब उसकी अगर यहाँ पे कंपनी चल रही है एग्रीकल्चर की तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, और दूसरा बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकेगा जिसके पास एग्रीकल्चर वगैरह की कंपनी है वो चला रहा है इसको, तो वो दे सकेगा जिसके पास परमेश्वर दी सुजोनो ईयू वाली होगी लुंगो पीरियडो, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड परमेश्वर दी सुजोनो होगी वो इसमें करवा सकेगा अप्लाई। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके डोमेस्टिक के लिए भी सेम है और जो एग्रीकल्चर का आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है उसके लिए भी सेम है। दोनों के लिए ज़रूरी होगा कि जो बंदा अप्लाई करवा रहा है या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है अगर वो इटालियन नेशनल नहीं है तो उसके पास परमेश्वर दी सुजोनो अनलिमिटेड होनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिनके घर में कोई मजदूर शख्स है, बच्चा है या कोई बूढ़ा है, और उनको परमेश्वर दी सुजोनो जो उनके पास ज़रूरी नहीं है कि वो इलिमिता तो हो या ईयू वाली हो लुंगो पीरी दो, उनको लिए कोई ऐसी शर्त नहीं और ना उनके लिए जो परमेश्वर दी सुजोनो है उसकी कोई शर्त है, कर्ता के बग़ैर यानी कि नॉर्मल सुजोनो के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये प्रोसीजर शुरू कब होगा, ये प्रोसीजर शुरू होगा 3 जून से, 3 जून सुबह 7 बजे से लेके और रात 10 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह
3 जून से लेके तो 15 जुलाई तक आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और टाइमिंग होगी सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक। आगे हम बात करते हैं कि ये प्रोसीजर शुरू कब होगा। ये शुरू होगा 3 जून 2020 से ये शुरू होगा और ये ख़त्म होगा 17 जुलाई 2020 को, और इसका टाइमिंग होगी सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इसकी टाइमिंग होगी मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से जुमा इसकी टाइमिंग होगी, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आखिरी दिन होगा इसका 15 जुलाई, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसे सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 तक, यानी कि रात 11:59 तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए इटालियन गवर्नमेंट ने एक फॉर्म जारी किया है, वो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसके ये जो फॉर्म है इसका नाम है F24। इसके ये जो आपने लवोरो सबर्दिनातो की परमेसो दी सजोरन अप्लाई करनी है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये इसका फॉर्म में आपको अदा करने होंगे 500 यूरो, और इस फॉर्म का नाम है F24 और REDT 2020। जो 500 वाला फॉर्म है ये इसके लिए जो लवोरो सबर्दिनातो परमेसो दी सजोरनो जमा आपने करवानी है। ये फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ये मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये सारी की सारी इसकी डिटेलें और सारे लिंक्स के कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते तो ये फॉर्म आपको पोस्ते से भी मिल जाएगा और बैंक से भी। ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ते में भी जमा करवा सकते हैं और किसी भी बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद परमिसो दी सजोरनो आपको मिलेगी कितने अरसे की, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का मालिक देता है तो फिर आपको परमेसो दी सजोरनो मिलेगी 2 साल की लवोरो सबर्दिनातो। अगर आपको मालिक कॉन्ट्रैक्ट देता है 1 साल का तो फिर आपको परमेसो दी सजोरनो लवोरो सबर्दिनातो मिलेगी 1 साल की। ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, फीस पे करने के बाद आपको जाना है, इसका जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो होगा एक स्पोर्टेलो इमिग्रासियो ने उन्हीं को इन्होंने बनाया है वेबसाइट, और उस वेबसाइट का नाम है, ये इसकी वेबसाइट है nulaostalavoro.dc.interno.it। ये मैं लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं ये नीचे भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इस पे आप लोग अप्लाई कर सकेंगे सुबह 7 से लेके रात 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, और यही प्रोसेस स्टार्ट रहेगा इसका तकरीबन 15 जुलाई 2020 तक। इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं एक अलग से वीडियो बना के एक दिन में या आज रात को ही इस पे मैं चढ़ा दूंगा अपने YouTube चैनल पे, उर्दू में इसका सारा तरीका कार होगा कि मुदैलो कैसे आपने फिल करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जब आप फिल करके इसको सेंड करेंगे तो ये रिसीव करेगा कस्तूरा। कस्तूरा जो है वो इसको जज करेगा। 950 बंदे उन्होंने रखे हैं जो इसको करेंगे एवेलुएट, इसको सारी इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। अगर वो समझेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं तो फिर आपको एक लेटर सेंड किया जाएगा कस्तूरे की तरफ से कि आप आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स सारे साथ लेके तो फिंगरप्रिंट के लिए, और उसके बाद आपको परमिसो दी सजोरनो जारी कर दी जाएगी। ये प्रोसीजर था लवोरो सबर्दिनातो का, यानी वो परमेसो दी सजोरनो दो आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ लेनी है, यानी कि आप डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास होगा तो फिर उसके लिए प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया है वो होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है कि बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के परमेसो दी सजोरनो हमने कैसे हासिल करनी है। वो लोग जिन्होंने 2 कैटेगरीज में काम किया हुआ है, कम से कम 51 डेज़ यानी कि 51 डेज़ जिन्होंने 2019 में काम किया हुआ है एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये परमेसो दी सजोरनो टेम्परेरी होगी और ये 6 महीने की होगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपने इन्हीं 2 कैटेगरीज में काम ढूंढना है, एक डोमेस्टिक और दूसरा एग्रीकल्चर। इसके अलावा आप कोई और काम इसमें नहीं कर सकेंगे।
अगर आप 6 महीने के अंदर ये काम ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको अगली परमिट सोजोर्नो भी जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले 6 महीने, कम से कम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए भी सेम चाहिए, आपको अपनी आईडी चाहिए होगी मुल्क की, इसके लिए आपको पासपोर्ट भी इसके लिए एलिजिबल है, और दूसरा अगर अम्बेसी से आपको मिलता है सर्टिफिकेट, अम्बेसी आपको देती है, तो वो भी एलिजिबल है। इसके लिए सबूत या एविडेंस वो भी सेम है, आपको सेम एविडेंस के साथ आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 8 मार्च से पहले आपको यहाँ होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए कोई कि आप 8 मार्च से पहले यहाँ थे, और कम से कम 51 डेज़ यानी कि 51 दिन आपको काम किया हुआ होना चाहिए इटली में, डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर। इसका प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का वो अलग होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, इसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो भी F24 फॉर्म होगा, लेकिन उसका जो नाम है वो थोड़ा अलग है, F24RCCT2020। ये फॉर्म भी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और पोस्ते या बैंक से भी हासिल कर सकेंगे, ये फॉर्म वहाँ पे भी होगा। ये फॉर्म आपको पूर करके इसमें आपको डालने होंगे 130 यूरो, वहाँ पे 500 यूरो फीस थी और यहाँ पे 130 यूरो फीस है। तो ये 130 यूरो फीस अदा करने के बाद, ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप लोग जाएंगे पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में हर एक पोस्ट ऑफिस में एक अलग से डेस्क बना दिया जाएगा इन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए। उस डेस्क का नाम होगा फ्रेंडली डेस्क, और अगर हम इटालियन में कहें तो उसका नाम होगा स्पोर्टेलो अमीको। स्पोर्टेलो अमीको में आपको जाके ये सारे किट फिल करनी होगी। 130 यूरो ये होगा आपकी जो फीस होगी इसकी परमेसो दी सुजोर्नो की, और 30 यूरो पोस्ट आपसे लेगा इसको आगे सेंड करने के लिए। पहले 10 दिन जो होगा वो आपको सर नेम के साथ चलना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे आ रहा है सर नेम, आपने कैसे सर नेम के लिहाज से आप अप्लाई कर सकेंगे। पहले 10 दिन, 3 जून से लेके और तकरीबन 10 दिन जो भी बनते हैं उस लिहाज से आप अप्लाई करेंगे। सर नेम के लिहाज से पोस्ते आपको डील करेगा। उसके बाद 10 जून के बाद रूटीन से नॉर्मली जो भी कोई जैसे भी जाएगा उसका अप्लाई कर दिया जाएगा। ये दुमादा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ये किट की सूरत में, जैसा कि ये मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि अमीको स्पोर्टेलो पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। और सर नेम का ख्याल रखना पड़ेगा पहले 10 दिन, जिसका सर नेम ए बी होगा वो पहले दिन जाएगा, जिसका आगे सी डी होगा वो अगले दिन जाएगा, इस तरह सर नेम के लिहाज से आप जा सकेंगे। उसके बाद कस्तूरा सेम उसी तरह आपकी एवेलुएशन करेगा, आपकी सारे जांच पड़ताल करेगा डॉक्यूमेंट्स की, और जिसके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उनको लेटर जारी कर दिया जाएगा, घर पे लेटर आ जाएगा या कॉल आ जाएगी कस्तूरे से कि आप आके फिंगर दें और आपकी जो परमेश्वर दी सिजोरनो है 6 महीने की वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं, इटली में काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी समरी बयान कर देता हूँ, जो मैंने सारा कुछ आपको अभी बताया है कि जितना लंबा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी लंबी आपको परमेश्वर दी सुजोर्नो मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा। 1 साल से लेकर 2 साल की परमेश्वर दी सुजोर्नो लवोरो सुबर्दिना तो आप ले सकते हैं। लवोरो सुबर्दिना तो बाद में कन्वर्टेबल होती है, उसके बाद आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगा के कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर ज़रूरी नहीं होगा कि आपने दोबारा बादंत डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर ही करना है, लेकिन ये जो 6 महीने की परमेश्वर दी सुजोर्नो टेम्परेरी होगी उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम सिर्फ इन 2 जगहों पे। उसके बाद एक और परमेश्वर दी सुजोर्नो जो स्टाजोनाले की थी, और जिनकी परमेश्वर दी सुजोर्नो स्टाजोनाले जो है वो 23 फरवरी के बाद ख़त्म हुई है, तो वो अपडेट कर दी गई है, अपग्रेड कर दी गई है, वो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। वो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। इसी तरह वो नुला ओस्ता जो फैमिली का आपका निकला था पाकिस्तान वगैरह या इंडिया कहीं से भी, वो नुला ओस्ता भी 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन
आपके लिए कारामद होगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताना है सारा कि ये ऑनलाइन फिल कैसे करना है, ये सारे फॉर्म वगैरह जो कुछ भी होगा, बदनते का कैसे फिल करना है, एग्रीकल्चर का फिल करना कैसे करना है, उसके बाद जो मालिक है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसने किधर किधर क्या लिखना है, वो मैं सारा आपको बताऊँगा।